अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट वी ओपन द कोरल ड्रॉ न्यू डॉक्यूमेंट्स। इसकी हम सेटिंग में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, इसको ओके करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल में फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन हैं, क्रॉप, नाइफ, विजुअल सेगमेंट लीड और इरेजर। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्रॉप टूल के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आप शेप ड्रॉ करें उसमें आप कलर फिल करें, सेलेक्ट क्रॉप टूल। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतनी पिक्चर रहे, बाकी क्रॉप हो जाए। जिस तरह आप मोबाइल में किसी भी चीज़ को क्रॉप करते हैं, जो उन सा हिस्सा सेलेक्ट होता है वो आपके पास रह जाता है और बाकी डिलीट हो जाता है। क्रॉप करेंगे, क्रॉप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सिर्फ उतना हिस्सा रह गया है जो हमने सेलेक्ट किया था। इससे आप किसी भी पिक्चर को भी क्रॉप कर सकते हैं। हम किसी फोल्डर से पिक्चर लाते हैं, कोरल ड्रॉ की फाइल में ओपन करते हैं, फाइल को हम लार्ज करते हैं। क्रॉप टूल, हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पास कुरान पाक की पिक्चर है और बाकी हिस्सा डिलीट हो जाए, तो हमने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, क्रॉप। ये देखिए फ्रेंड, जितना हमारा हिस्सा सेलेक्ट हुआ था वो हमारे पास आ गया है और बाकी डिलीट हो गया है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, नाइफ टूल। सो फ्रेंड्स, ड्रा द शेप। ड्रा द रेक्टेंगुलर शेप, सेलेक्ट द नाइफ टूल। सो फ्रेंड, आप जितना हिस्सा आप नाइफ के साथ इसको कट कर देंगे उतनी पिक्चर में वो अलहदा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने सेलेक्ट कर लिए टू पार्ट। अब हम इधर से सेलेक्ट करते हैं, ये पिक्चर के फोर पार्ट्स हो गए हैं। पिक टूल, पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ। नाइफ टूल की मदद से आप किसी भी पिक्चर्स के या किसी भी चीज़ के आप पीसीज अलग कर सकते हैं। नाइफ टूल, ये देखिए फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके और पार्ट्स अलग करूं, तो आप लेफ़्ट क्लिक के साथ डबल क्लिक करेंगे तो इसके पार्ट्स अलग हो जाएंगे। ये एक शेप में से हमने दो शेप्स निकाल दी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास थर्ड टूल आता है क्रॉप टूल में। थर्ड टूल है हमारे पास विजुअल सेगमेंट लीड। तो फ्रेंड्स, हम शेप्स इधर ड्रॉ करते हैं। विजुअल सेगमेंट डिलीट को हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी पिक्चर हमने डिलीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये हमारा इतना पार्ट हमने डिलीट करना है। ये पिक्चर हम डिलीट कर देंगे। आप चाहते हैं कि आप दो पिक्चर्स डिलीट करें, दो को ऐसे सेलेक्ट करें। आप जितने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे उतना हिस्सा डिलीट होता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, उसके बाद हमारे पास लास्ट टूल है इरेजर टूल। इरेजर टूल की मदद से आप पिक्चर या अपनी शेप्स को इरेज कर सकते हैं। ड्रा द शेप, फिल द कलर, सेलेक्ट द इरेजर टूल। देखिए फ्रेंड्स, इरेजर टूल में जब आपने सेलेक्ट किया है तो मेन्यू बार में आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं, इसके प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। ये शेप में हैं इसकी शेप्स। ये देखिए फ्रेंड, ये स्केयर में हो गया, इसका साइज इंक्रीज करते हैं ताकि आप देख सकें। ये देखिए फ्रेंड, ये सर्कल में है, ये स्केयर में हो गया है। इधर से इसका आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये आप स्मॉल हो गया है, ये लार्ज हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि मैं ये डिलीट कर दूं। अगर आप लोग
ऐसे ही अपनी शेप को, ये हमारे पास सिर्फ एक ही शेप है लेकिन हमने इसको ऐसे बना दिया है अलग डिज़ाइंस में। ये देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट टूल की मदद से हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक ही शेप है, ये अलग अलग नहीं हुए जैसे हमने नाइफ टूल के साथ किए थे। अगर आप अपने किसी फोल्डर में से कोई भी पिक्चर डालते हैं तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। हम ये वाले फ्रेंड्स पिक्चर लाते हैं कलर ड्रा की फाइल में, इसको फ्रेंड्स अब हम एडिट करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे पास ये सेगमेंट ना रहे, सिलेक्ट दी एडिट टूल, जोन सी आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे सिर्फ ये उसी पर वर्क करेगा। देखिए अब मेरी ये पिक्चर सेलेक्ट है, इसके ऊपर वाइट छोटे छोटे से आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए फ्रेंड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको इरेज करूँ, ये नहीं इरेज कर रहा, ये देखिए। जोन सी भी आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जिस पिक्चर पर आप वर्क कर रहे हैं सिर्फ उसी को डिलीट करेगा, ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैंने सिर्फ इतना हिस्सा मुझे चाहिए तो मैंने इतने हिस्से को सिर्फ रखा है और बाकी मैंने सारा इरेज कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है शेप टूल के बारे में, क्रॉप टूल के बारे में, क्रॉप नाइफ विचुअल सेगमेंट और इरेजर टूल के मुतालिक। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।